Hi to my channel, at मैंने बिल्कुल थिक गनाश बनाया है कितना ग्लेस है इसमें कितना शाइनी है बिल्कुल स्मूथ सा और रेसिपी बहुत ही सिंपल है इसे आप चॉकलेट केक की लेयर्स के बीच में लगा सकते हैं पूरे चॉकलेट केक को कवर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा लगता है सिंपल सी रेसिपी चलिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस के ऊपर उसमें डाल रही हूँ मैं हाफ़ कप फ्रेश क्रीम तो फ्रेश क्रीम जो है ना किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हो अमूल की आती है मदर डेयरी की आती है यहाँ पर यही अवेलेबल है बिले -बिले, आपको जो मिले आप वो ले लीजिए तो मैंने हाफ़ कप फ्रेश क्रीम ले ली है और इसे देखिए लो फ्लेम पर मैं इसे गर्म कर रही हूँ जब साइड में हल्के से बुलबुले से आने लग जाएंगे ना तब तक हम इसे गर्म कर लेना है देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है और मैं इसे गरम हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसको लेकिन जब तक हल्की सी अच्छे से गरम ना हो जाए देखिए साइड से देख रहे हैं बुलबुले से आ गए बस तो इसमें अब हम एक कप चॉकलेट ये मैंने डार्क कंपाउंड यूज़ किया है इसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया था और डाल दिया है देखिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि क्रीम अच्छी खासी गर्म है और जैसे ही चॉकलेट इसमें जाएगी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी बस आपको अच्छे से मिक्स करते रहना है गैस को दोबारा से ऑन करने की ज़रूरत नहीं है डाल दिया है एक छोटा चम्मच बटर तो सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो आप कोई सा भी बटर इसमें यूज़ कर सकते हैं बटर डालने से इसमें एक जो शाइन आएगी ना ग्लेज आएगा वो बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट केक के ऊपर अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए कि इसमें कोई गुटलियाँ वगैरह ना रह जाएं अभी क्रीम गर्म है आराम से देखिएगा आप दो मिनट आप इसको ऐसे करेंगे ना बहुत अच्छा सा थिक सा गनाश आपका बन करके रेडी हो चुका है ये देखिए बस इसे हमें ऐसे चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए कि कोई इसमें चॉकलेट के छोटे पीसेस भी ना रह जाएँ अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ और ये लीजिए आपका चॉकलेट गनाश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है इसे ठंडा करने के बाद ही आप इसे चौक केक के ऊपर डालिएगा और इसे ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रखने की जरूरत नहीं है आप एक घंटे बाहर छोड़ देंगे तो बहुत आराम आराम से ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे अपने केक को कवर कर सकते हैं अगर आप इसे फ्रॉस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए ठंडा करके उसे अच्छे से बीट कर लीजिए और उसके साथ आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं ये देखिए बहुत खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है तो इसे बनाइए अपने केक को एंजॉय कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय